वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लोबी केमजियम न्यू क्रीम के बारे में। क्लोबी केमजियम न्यू क्रीम की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि इसके यूज़, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन जैसी कोई भी समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्लोबी केमजियम न्यू क्रीम एक कॉम्बिनेशन मेडिसन है, जिसमें कॉम्बिनेशन है क्लोबिटासोल 0.05%, नियोमाइसिन 0.5%, मिकोनाजोल 2% होता है। और इस क्रीम को एल्केम लेबोरेटरीज कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए आप जान लेते हैं इस क्रीम के उपयोग के बारे में। इस क्रीम का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के त्वचा संक्रमण के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है, और यह लालिमा, सूजन और खुजली जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करती है, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस, दाग धब्बे, स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल संक्रमण, फंगस और स्किन पर होने वाले विभिन्न प्रकार के संक्रमण के इलाज के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, दाग धब्बे जैसी कोई भी समस्या है तो आप डॉक्टर की सलाह से इस क्रीम का यूज कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं इस क्रीम के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस क्रीम के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आ सकते हैं, जैसे कि आपने इस क्रीम को जिस जगह पर यूज किया है उस जगह का लाल होना, जलन होना जैसी कुछ नॉर्मल समस्याएं आपको नज़र आ सकती हैं। वैसे ये नॉर्मल समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। अगर ये समस्याएं ठीक ना हो तो इसे यूज करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आइए आप जान लेते हैं इस क्रीम को यूज़ करने के तरीके के बारे में। इस क्रीम का यूज वैसे आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें, और इस क्रीम का यूज आपको जिस जगह पर करना है उस जगह को अच्छी तरह साफ कर लें और सुखा लें, उसके बाद इस क्रीम का यूज़ करें। और इस क्रीम का यूज स्किन के बाहरी हिस्से पे किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस क्रीम की MRP के बारे में। इस क्रीम की MRP है 10 ग्राम क्रीम आपको 71 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको क्लोबी केमजियम क्रीम की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।